आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज का मनन के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 आयत 11, साम 119 वर्स 11। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। एक और बार उसको रिपीट करना चाहती हूं। भजनकार कहता है कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है। दूसरा एक अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपाया है कि मैं तेरे खिलाफ या तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आज हम सीखने जा रहे हैं कि एक विश्वासी भाई या बहन के लिए प्रभु का वचन अपने हृदय में संभाल कर रखना कितना महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं, हम शरीर में रहते हैं और साथ में हमारा एक आत्मिक जीवन भी है, मतलब शारीरिक जीवन है और साथ में आत्मिक जीवन है। शरीर में रहते समय इस शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे अंग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें से एक है हृदय, हार्ट या दिल। हमारा हृदय का धड़कना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के अंदर हृदय धड़कता नहीं है तो वो व्यक्ति मरा हुआ है। एक जीवित व्यक्ति के अंदर उसका दिल धड़कता है। और आज हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि प्रभु का वचन हमारे हृदय में संभाल कर रखने का आत्मिक मतलब क्या है। जैसे अगर हृदय नहीं धड़कता है तो वह व्यक्ति मरा हुआ है, वैसे ही आत्मिक जीवन में अगर प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं है, हमारे हृदय में नहीं है, तो हम आत्मिक जीवन में एक मरा हुआ अवस्था में हैं। आज हम लोग कुछ कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है, जब शरीर में हमारा हृदय धड़कता है तो वास्तव में क्या होता है। हमारा हृदय का धड़कने से मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो उस समय पर हमारे हृदय से खून निकलकर शरीर के अलग अलग हिस्से में जाता है और वहाँ से वापस अपना एक प्रोसेस के बाद वापस अपना हृदय में आता है। तो उस समय पर हृदय से निकलने वाला खून जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में जब जाता है, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में ऑक्सीजन पहुँचता है और वो व्यक्ति को ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है, वो व्यक्ति जीवित रहता है। साथ में जो अशुद्ध खून हम कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है वो वापस हृदय में आकर एक प्रोसेस के बाद वो शुद्ध हो जाता है। तो हम आत्मिक जीवन में क्या सीख सकते हैं। भजनकार कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मेरे प्रियो, वास्तव में आत्मिक जीवन में भी हम इसी प्रोसेस को हम ले सकते हैं। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हमारे अंदर लेते हैं, तो वचन हमारे अंदर क्या काम करता है। जैसे ये खून शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, जिससे एक व्यक्ति के अंदर ऊर्जा रहे, वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन में जब हम प्रभु के वचन को हमारे अंदर लेते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन मजबूत रहता है। साथ में हमारे आत्मिक जीवन के बारे में जब हम सीखते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमी है, कमजोरी है, पापमय स्वभाव है, प्रभु का वचन को जब हम सीखते हैं तो ये वचन के जरिए हम लोग शुद्ध होते जाते हैं। हमें पता चलता है हमारे अंदर कहाँ कमी है, उसको निकालना, उसको सुधारना, और हमारी आत्मिक जीवन में हम और दृढ़ होते जाते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमने सीखा, हमारे शरीर में हृदय धड़कते समय खून जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है शरीर के अलग अलग अंग में जाता है और अलग अलग अंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक प्रोसेस के बाद हृदय में आता है। वैसे ही आत्मिक जीवन में वचन पढ़ते समय वचन हमारे आत्मिक जीवन को ऊर्जा देती है, एनर्जी, स्ट्रेंथ, ताकत देती है, जिसके कारण आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारी दुर्बलता हमारे सामने नजर आता है, जिसके कारण हम सुधर कर, हम लोग मन फिरा कर हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात की ओर हम आएंगे। दूसरा पॉइंट ये है, हमारे शरीर में जो खून है उस खून के अंदर ये क्षमता है, ये शक्ति है कि वो कीटाणु के खिलाफ लड़े। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है और उस व्यक्ति के शरीर में एक कीटाणु घुस जाता है तो हमारे खून में वो एंटीबॉडीज रहता है, जिसके कारण वो जो है कीटाणु से लड़ता है और वो कीटाणु को नाश कर देता है और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
मेरे प्रियो, प्रभु का वचन को जब हम हमारे हृदय में रखते हैं तो हमें ये भी समझना है कि ये हमें ताकत देता है। किस विषय के लिए? जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं, हमारी आत्मिक जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, शैतान बहुत सारे कीटाणु या बहुत सारे तीर को हमारे खिलाफ भेजता है ताकि हम आत्मिक जीवन में घायल हो जाए, बीमार हो जाए। तो यहाँ पर हमें समझना है, जब एक व्यक्ति प्रभु में मजबूत है तो शैतान लाने वाला हर एक तीर के ऊपर हम जय पा सकते हैं, क्योंकि आत्मिक जीवन में हम स्वस्थ है। यीशु मसीह के जीवन से भी हम ये सीख सकते हैं। यीशु मसीह जब जंगल में थे, उस समय पर शैतान जब यीशु के सामने परीक्षा को लेकर आया, तब यीशु उस परीक्षा के ऊपर जय पाया। लेकिन कैसे परीक्षा के ऊपर जय पाया? हर वक्त यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया और शैतान को हराया। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन में भी हमें ये पहचानना है कि शैतान हमारे खिलाफ लड़ता है, हमारे अंदर बुरा सोच को लेकर आता है, निराशा को लेकर आता है, या फिर प्रलोभन को लेकर आता है, जहाँ पर हम घिर सकते हैं। पैसे के प्रति लोभ हो, या फिर हमारे रिश्तों में अपवित्रताई हो, ऐसे बहुत सारे तीर को शैतान हमारे खिलाफ भेजता है। लेकिन अगर हम आत्मिक जीवन में स्वस्थ है, कैसे हम आत्मिक जीवन में स्वस्थ रहेंगे? जब प्रभु का वचन को हम पढ़ते हैं और हमारे हृदय में हम संभाल कर रखते हैं, तब शैतान के हरेक तीर के ऊपर या फिर हमारे जीवन में आने वाले हरेक परीक्षा के ऊपर हम जय पा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमारे हृदय में संभाल कर रखना कितना इंपॉर्टेंट है। जब प्रभु का वचन हमारे अंदर रहता है, तब आत्मिक जीवन में हम जय पाते हैं, शैतान के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, हमारे अंदर एक तंदुरुस्ती रहता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम प्रभु के वचन को अहमियत देते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इफिसियों की पत्री अध्याय 6 को पढ़ते हैं, वहाँ पर हम आत्मिक हथियार के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें से एक हथियार है तलवार। और वो तलवार क्या है? और वो तलवार है प्रभु का वचन। अगर शैतान लाने वाले हर एक वार को हमको तोड़ना है, नाश करना है, तो हमारे हृदय में वचन होना चाहिए। जब हमारे हृदय में वचन होता है, तब हम उसको मुंह से कबूल कर सकते हैं। तो आज हम ये फैसला लेने पाए कि हम हर दिन प्रभु का वचन को पढ़ेंगे, हमारे हृदय में संभाल कर रखेंगे। बहुत से वक्त हम पढ़कर छोड़ देते हैं, लेकिन आज से लेकर हम वचन को पढ़ते समय उस पर गौर करें, ध्यान करें, उसको याद करने की कोशिश करें, और जब हम लोग परीक्षा का सामना करते हैं, उस समय इन वचनों को हम दोहराए और वहां पर परमेश्वर हमें जय देगा। तीसरी बात जो हम लोग खून के बारे में पढ़ सकते हैं, वो ये है, जब हमारा शरीर में एक घाव होता है, एक कट होता है, तब वहां से खून निकलता है, लेकिन वो खून बहता नहीं रहता है, थोड़े समय पर वहां पर वो खून सूख जाता है, जम जाता है, और वहां का जो स्किन है वो अपने आप चंगा होने लगता है। मेरे प्रियो, खून के अंदर ये प्रॉपर्टी है, ये स्वभाव है कि वो घाव को चंगा कर सकता है। वैसे ही प्रभु का वचन भी हमारे जीवन में चंगाई को लेकर आता है। वचन में लिखा है, मैंने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा किया है। प्रभु का वचन हमें कैसे चंगा करता है? मेरे प्रियो, आत्मिक रूप से हम बहुत से वक्त घायल हो जाते हैं। हम दूसरों को देखकर हम घायल हो सकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि उन लोग इतने साल से प्रभु में हैं, लेकिन आज भी वो लोग पाप कर रहे हैं, आज भी वो लोग छिपकर गलत काम कर रहे हैं। तो हम जो बढ़ रहे थे, तो हमारे अंदर मन जो है इतना घायल हो जाता है कि हम लोग थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर बढ़ने का एक मन नहीं होता है। या फिर हम में से कुछ लोगों के अंदर जो है, कुछ लोगों ने पहुंचाया हुआ घाव होगा, उनके शब्दों के द्वारा, उनके कार्यों को द्वारा, किसी ने आपको धोखा दिया होगा, किसी ने आपको फंसाया होगा, वो सब दुख और दर्द को आप लेकर चल रहे होंगे। या फिर आपके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, एक हीन भावना होगा, दोष की भावना होगा, ये सारी बातों को आप लेकर चल रहे हैं, जिसके कारण आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रखेंगे, तब ये वचन आपके शरीर और आपके आत्मिक जीवन में चंगाई देगा।
प्रभु का वचन इतना सामर्थी है कि हमारे हरेक हृदय में रखा हुआ दुख दर्द, हो सकता है किसी ने आपको अब्यूज किया होगा, आपका शोषण किया होगा, वो दर्द को आप लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप वचन पढ़ोगे तो ये वचन आपको चंगा करेगा। किसी ने आपको धोखा दिया है, जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है, आपका हृदय को चंगा करेगा और आप उस व्यक्ति को माफ कर पाएंगे, आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी घाव नहीं है जो प्रभु का वचन आपको चंगा नहीं कर सकता। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि मेरे परिवार में कोई मुझसे प्यार नहीं करता, या मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या मुझे तुच्छ गिना जाता है, या फिर मैं टैलेंटेड नहीं हूं, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। ये सारा सोच से भी आपको एक चंगाई चाहिए। कैसे मिलेगा? जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, आप यूसुफ के जीवन को देख सकते हैं। यूसुफ ऐसा एक परिवार में था जहां पर उसके खुद के पापा मम्मी उसके सपने पर यकीन नहीं किया, उसके भाइयों के मन में जलन और ईर्ष्या था, जिसके कारण वो लोग यूसुफ को बेच डाला। यूसुफ को जो है पोतीफर के घर में भी धोखा मिला। जेल में रहते समय भी दो लोगों का सपनों का अर्थ बताया और उसने उनको कहा, जब तुम राजा के पास जाओगे तो मेरे बारे में बताना। वो लोगों ने भी धोखा दिया, लेकिन यूसुफ कैसे सामर्थी रहा, यूसुफ कैसे अपने जीवन को पवित्र रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बना रहा। मेरे प्रियो, आज के समय पर प्रभु के साथ बना रहने का मतलब ये है प्रभु का वचन को अपने हृदय में रखना। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, धोधारी तलवार से भी वो बहुत चौका है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हमारे अंदर हम रखते हैं, तो हमारे घाव को प्रभु का वचन चंगा करेगा। दाऊद के बारे में भी हम देख सकते हैं। दाऊद कहता है, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है। दाऊद के खुद के भाई लोग जो है दाऊद को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उसके घर में भी उसको सम्मान नहीं मिलता था, क्योंकि जब शमूएल भविष्यवक्ता अभिषेक करने आए, सारे भाई लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन दाऊद नहीं था। क्योंकि हो सकता है दाऊद के पापा मम्मी ये सोच रहे होंगे कि दाऊद काबिल नहीं है, लेकिन दाऊद कैसे इन सारी बातों से उठकर इसराइल का राजा बना? क्योंकि उसके पास एक अच्छा हृदय था, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता था, प्रभु की व्यवस्था से प्रेम करता था। वचन में लिखा है वो रात दिन प्रभु के वचन पर मनन करता था। मेरे प्रियो, आज हम लोग इस निर्णय को लेने वाले बन जाएं कि हम प्रभु के वचन से प्रेम करें और हम उसको पढ़कर हमारे हृदय में संभाल कर रखें, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम चंगे होने पाए। मेरे प्रियो, इंसान दो शब्द कहकर हमको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा सांत्वना सिर्फ प्रभु के वचन से हमें मिलता है। हमारा निराशा को प्रभु का वचन निकाल देता है। इसलिए भजन संहिता 19:8 में इस प्रकार लिखा है, साम 19:8 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा के उपदेश निर्मल है, वो हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु का वचन हमारे हृदय को आनंदित कर देता है, हमारे अंदर का निराशा हटा देता है, हमारे अंदर का दुख हटा देता है, हमारे अंदर के हरेक बुरा इमोशन और स्वभाव को हटाकर हमें चंगा कर देता है। कितना अद्भुत है प्रभु का वचन। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन से प्रेम कीजिए, पढ़िए और प्रभु का अद्भुत कार्य को आप अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। अगला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है, जब हम हृदय के बारे में पढ़ते हैं, हृदय में जो खून निकलता है, बहुत से वक्त ऐसे भी होता है कि उम्र के साथ साथ एक व्यक्ति का जो नस है उसमें कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट जम जाता है, और जिसके कारण वो हृदय सही से फंक्शन नहीं होता है। हो सकता है उसको एक हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर कोई और दिक्कत भी हो सकता है। वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, सही खाना नहीं खाया, जो व्यायाम शरीर के लिए ज़रूरी था वो नहीं किया, उसके कारण उसका हृदय या फिर जो नस है वो कमज़ोर होते जा रहा है, वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन में भी वचन में लिखा है, इब्रानियों के किताब 3:3 हिब्रू 3 में इस प्रकार लिखा है, अपने हृदय को कठोर मत करो। आज जब वचन सुनते हैं तो हृदय को कठोर नहीं करना। हृदय को कठोर करने का मतलब क्या है? बहुत से वक्त आत्मिक जीवन में भी हम लोग इतना कठोर हो जाते हैं, हमारा हृदय के अंदर हम घमंड को भरते हैं, नाराजगी को भरते हैं, दुख को भरते हैं, लेकिन प्रभु का वचन को नहीं भरते हैं। तो जैसा फैट हृदय में जम जाता है या नसों में जम जाता है, वैसे ही आत्मिक जीवन में हमारा हृदय कठोर हो जाता है। और आत्मिक जीवन में हृदय कठोर होना मतलब हम लोग आत्मिक मौत की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा हृदय स्वस्थ नहीं है, उसके अंदर वो
ताकत नहीं है तो हमें क्या करना है? हृदय को जांचना है। अगर घमंड है तो निकालिए, आज्ञा नहीं मानने का स्वभाव है तो निकालिए, ईर्ष्या, भेदभाव, नफरत इत्यादि कोई भी बातें हैं अपने जीवन से निकालिए। एक स्पिरिचुअल व्यायाम हमारे अंदर होना चाहिए, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, प्रभु का सुसमाचार को फैलाना, लोगों को सिखाना, उनकी मदद करना, ये सारी बातें जो है हमको ताज़ा रखता है। तो आज हमें हमारे जीवन को देखना है, प्रभु का वचन सुनते समय अपना हृदय को कठोर मत कीजिए। ऐसे मत सोचिए मुझे सब कुछ पता है या फिर मैं प्रभु में बहुत बढ़ गया हूँ इसलिए मुझे कोई उपदेश की जरूरत नहीं। नहीं प्रियो, हर समय हम अपने आप को नम्र कर आगे बढ़ने वाले बन जाए। आगे हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों के शरीर में खून की कमी हो जाती है, हो सकता है उनका भोजन सही नहीं है या कोई बीमारी उनके शरीर में है, इसलिए जब खून का जांच किया जाता है तब डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि आपके शरीर में खून का लेवल कम है। और इसलिए वो लोग क्या महसूस करते हैं, उनके शरीर में कमजोरी है, बार बार चक्कर आना या फिर सामने धुंधला दिखना, ताकत नहीं होना, ये सारी बातें वो लोग शरीर में महसूस करते हैं। वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन में अगर प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं है तो हम आत्मिक जीवन में थक जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, हमें कुछ भी आगे साफ नहीं दिखेगा, हमको ऐसा लगेगा कैसे आगे होगा, कौन हमारे लिए करेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है, वचन को अपने हृदय में संभाल कर रखता है, उसको पूरा भरोसा है कि परमेश्वर के हाथ में मेरा जीवन है, प्रभु मुझे चलाएगा, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलेगा। आज भले मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हैं लेकिन परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेगा, ये भरोसा और ये विश्वास उनके अंदर है। तो मेरे प्रियो, जांच कर देख लीजिए अगर वचन की कमी आपके अंदर है, मतलब अगर आप रोज वचन नहीं पढ़ते हैं तो आप आत्मिक जीवन में थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जहां पर आप विश्वास छोड़कर पीछे हट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब शरीर में खून की कमी है तो डॉक्टर्स कहते हैं पौष्टिक आहार को खाओ, हर प्रकार की सब्जी को खाओ, हर प्रकार का खाना को खाओ। तो यहां पर भी हमें ध्यान देना है, अगर आत्मिक जीवन में स्वस्थ रहना है तो हरेक वचन को हमें पढ़ना है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ भजन संहिता पढ़ते हैं, डर लगता है तो भजन 91 पढ़ते हैं, बीमार है तो कोई एक भजन पढ़ लेते हैं। नहीं मेरे प्रियो, सिर्फ भजन संहिता नहीं, लेकिन हर एक किताब को पढ़ने का एक आदत हमारे अंदर होना चाहिए। सुसमाचार पढ़िए, पौलुस की पत्री पढ़िए, पुराने नियम पढ़िए, भजन संहिता, नीति वचन, बाइबल में से हर एक किताब को पढ़ने का एक मन हमारे अंदर होना चाहिए। और प्रभु का वचन ऐसा है कि एक बार जब आप पढ़ने लग जाते हैं तो अपने आप एक इंटरेस्ट बनता जाता है, फिर आपको लगता है और पढ़ूं, प्रभु का वचन को और मेरे अंदर डालूं, फिर आप प्रभु की आवाज को पहचानने लगते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। मेरे प्रियो, आज आप इस निर्णय को लीजिए, अगर आप ऐसा एक व्यक्ति है जो बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ने में आप पीछे हैं, तो आज आप ये निर्णय लीजिए, क्योंकि वो आपके आत्मिक जीवन को बहुत हेल्दी रखेगा, बहुत स्वस्थ रखेगा। खून में एक और इस प्रकार का गुण है कि उसके अंदर के अलग अलग कंपोनेंट्स जो है, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, ये सब नया बनते जाता है, सबका एक समय है, उसके बाद नया बनते जाता है, हमारे शरीर में वो क्षमता है। वैसे ही प्रभु का वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे मन को और नया बनाते जाता है। तो मेरे प्रियो, जांचिए क्या आप पुराना सोच, पुराना अंधविश्वास को लेकर आज भी चल रहे हैं या फिर आप अपने आप को वचन के अनुसार नया बनाते जा रहे हैं। जिनका हृदय में दिक्कत है उनको इलाज करना पड़ेगा, या तो सर्जरी करना पड़ेगा या तो कोई दवाई लेना पड़ेगा। अगर हमारी आत्मिक जीवन में कोई दिक्कत है तो भी हमें इलाज करना पड़ेगा, और वो इलाज कैसे, प्रभु का वचन के बारे में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, हमारा कठोर हृदय को तोड़ सकता है, परमेश्वर का वचन आग है, हमारे अंदर के सारे जिंदगी को जला सकता है, प्रभु का वचन तलवार है जो आर पार छिद सकता है, मतलब हमारे हृदय को घायल करेगा, हमारे पाप को हमारे सामने लेकर आएगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमारे लिए इतना सामर्थ्य है और जरूरी भी है। साथ में एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, हमारा हृदय को जब हम सीखते हैं उसमें चार चेंबर्स है, चार हिस्से हैं। आत्मिक जीवन में भी हमारे लिए चार बातें हमारे हृदय में होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके हृदय ऐसा होना चाहिए जो प्रभु से प्रेम करता है, बाकी बातों से, बाकी लोगों से, बाकी वस्तुओं से बढ़कर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। दूसरी बात, एक आज्ञाकारी हृदय, प्रभु का वचन जो कहता है, ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे लेकिन प्रभु के वचन में ही हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु का वचन जो हमें कहता है वो हम करने के लिए तैयार होने पाए।
तीसरी बात, हमारे अंदर एक नम्र हृदय होने पाए, घमंडी या जिसमें बहुत अहंकार भरा हुआ है उस प्रकार का हृदय नहीं, लेकिन प्रभु के सामने एक दीन और नम्र हृदय हमारे होने पाए। चौथी बात, हमारा हृदय रिस्पॉन्सिव रहे प्रभु के प्रति, प्रभु कुछ करने कहता है या परमेश्वर हमें कुछ दिखाता है, उन सारी बातों के प्रति हम लोग अलर्ट और रिस्पॉन्सिव रहने वाले बन जाए। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक हृदय में हम प्रभु के वचन को संभाल कर रखने वाले बन जाए, हमारे हृदय के अंदर कोई भी चीज़ जो परमेश्वर के खिलाफ है वो ना रहे। बहुत से वक्त हम लोग शरीर पर ध्यान देते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में हम लोग ढीले हैं। आत्मिक आलसीपन को निकालें, संसार के प्रति प्रेम को निकालेंगे, जितने भी हमारे अंदर की आत्मिक कमजोरियां हैं उन सारी बातों को हटाकर हम लोग हमारे हृदय में प्रभु के वचन को संभाल कर रखने वाले बन जाएं। एक और बार उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ जहाँ पर भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। आज हम लोग प्रभु के वचन को पढ़कर हमारे हृदय में संभाल कर रखने वाले बन जाए। आज मैं पूछना चाहती हूं, क्या आप ये निर्णय लेंगे कि हम हर दिन अनुशासित रीति से हम वचन को पढ़ेंगे? अगर ऐसा है तो मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, आज का समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ये वचन सुना हुआ हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ। प्रभु, आज जब वो निर्णय लेते हैं कि हम हर दिन वचन पढ़ेंगे, आप उनके साथ रहिए प्रभु। इसमें अटल रहने के लिए आप उनको मदद कीजिए। जब भी उनके ढीलापन आता है प्रभु, आप उनको बात कर उनको उत्साहित कीजिए कर मैं प्रेयर करती हूँ। प्रभु, वचन हमारे लिए कितना जरूरी है कर आज हमने सीखा प्रभु। इन बातों को शैतान हमारे मन से ना हटाए प्रभु जी, लेकिन इस वचन के अनुसार हम आगे बढ़ने पाए कर मैं दुआ करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमें आशीष दिया। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।